हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बोट ने अपने नए TWS ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है, जिनका नाम है बोट एयरड्रॉप्स 115। सो गाइस, आप में से काफी सारे लोग इन ईयरबड्स को लेने की सोच भी रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इनमें से कौन से रीजंस आप लोगों को दिए गए हैं जिनकी वजह से आप लोगों को ये ईयरबड्स परचेज करने चाहिए, और साथ ही बताऊंगा कि इनमें से कौन से रीजंस मिसिंग है जिनकी वजह से आप लोगों को ये अवॉइड कर देने चाहिए। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबाके। तो दोस्तों, इन ईयरबड्स को लेने के काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को वन बाय वन बताने वाला हूं। अगर इनमें एक दो ऐसा रीज़न मिला जो कि इनमें मिसिंग है तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों, इन ईयरबड्स को लेने का जो सबसे पहला रीज़न है वो है इनका डिज़ाइन। ये 1399 रुपये में आप लोगों को मिल रहे हैं, और इस प्राइस रेंज में आप लोगों को एक तो जो इनका केस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है, साथ ही इनका जो डिज़ाइन है वो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, यानी कि इनमें ईयर टिप्स आप लोगों को काफ़ी सारी मिल जाएगी। आपके कानों के हिसाब से काफ़ी सारी ईयर टिप्स इनके साथ आने वाली है, और साथ ही इनका डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम सा होने वाला है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर दोस्तों, इनमें बैटरी जो दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। 24 आवर्स की आप लोगों को इनमें बैटरी मिल जाएगी। केस और ईयरबड्स अगर आप दोनों को इकट्ठे चलाओगे तो टोटल बैटरी जो है वो 24 आवर्स तक चल जाएगी। 300 mAh की इनमें बैटरी यूज़ की गई है केस में, और इसका जो चार्जिंग टाइम आप लोगों को मिलने वाला है वो 1.5 घंटे का मिलने वाला है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि अगर आप अपने ईयरबड्स को 10 मिनट तक चार्ज करते हो केस के थ्रू, तो आप लोगों को लगभग 1 से 2 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है वो मिल जाएगा। तो ये इनमें काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, और ये इनको लेने का एक रीज़न भी है। इसके बाद दोस्तों, आ जाते हैं इनमें एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन पर। इनमें इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन आप लोगों को मिल जाती है, यानी कि इन्वायरमेंट की जो बाहर की आवाज़ें हैं वो आपके कानों तक नहीं जाएगी, काफ़ी क्लियर साउंड आप लोगों को मिल जाएगा। तो नॉइज़ कैंसिलेशन आप लोगों को इनमें मिल रही है। साथ ही इनमें गेमिंग मोड आप लोगों को दिया जा रहा है। 65 ms की लो लेटेंसी आप लोगों को इनमें मिल रही है, जिससे कि गेमिंग में काफ़ी कम लैग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप सस्ते प्राइस रेंज में कोई गेमिंग ईयरबड्स लेना चाहते हो तो आप इनको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, साउंड क्वालिटी तो इनकी ओसम लेवल की होने ही वाली है, क्योंकि 13 mm के आप लोगों को इनमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइज जो है वो 13 mm का है। कॉलिंग में इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और नॉइस कैंसिलेशन तो इनमें मिल रही है, जिससे कि कॉलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और दोस्तों, 13 mm के ड्राइवर होने की वजह से इनमें जो बेस का लेवल है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। फिर ब्लूटूथ वर्जन इनमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। 10 मीटर की रेंज होने वाली है आपके फ़ोन से ईयरबड्स की, और वेक एंड पेयर का ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिलेगा, यानी कि जैसे ही आप अपने ईयरबड की केस को ओपन करोगे तो आपके जो ईयरबड्स है वो आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फीचर इनमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। टच कंट्रोल्स इनमें आप लोगों को मिल जाते हैं। IPX4 की डस्ट एंड वाटर प्रूफ रेटिंग आप लोगों को मिल जाती है। तो दोस्तों, फीचर्स तो इनमें आप लोगों को काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। इस प्राइस रेंज में आप लोगों को नॉइज़ कैंसिलेशन भी नहीं मिलती, गेमिंग मोड भी नहीं मिलता, लेकिन इन ईयरबड्स में ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। बस इनमें एक छोटी सी कमी मुझे लगती है, वो है बैटरी बैकअप। अगर इनके और जो इसका कॉम्पिटिटर अभी आया है मार्केट में, मीवी ड्यूपोर्ट्स F60, अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो उसकी बैटरी लाइफ 50 आवर्स की है। तो अगर इसकी बैटरी लाइफ 40 आवर्स के आसपास होती तो और भी अच्छा होता, अदरवाइज़ इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आप लोग इसको अवॉइड कर सको। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।